दोस्तों बंपर जॉब वैकेंसी इस बार हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अनाउंसमेंट की है। तो ये जॉब वैकेंसी पुलिस कांस्टेबल की है, फीमेल और मेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। पॉइंट टू पॉइंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। अगर वीडियो बेनिफिशियल लगती है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। दोस्तों यह है इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जॉब का, जिसमें पूरी डिटेल इन्होंने दी हुई है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। करना क्या, एक बार आपको अच्छी तरह से रीड करना है। बाकी मेन मेन जो जानकारियां हैं वो आपको इस वीडियो के थ्रू वो दे देता हूँ। तो दोस्तों इसके अंदर टोटल पोस्ट की बात करें तो 7298 पोस्ट हैं और एलिजिबिलिटी 10th एंड 12th पास कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकता है। और एज लिमिट की बात करें 18 से 25 इयर्स ओल्ड कोई भी कैंडिडेट इस पोस्ट को अप्लाई कर सकता है, बट एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 5 साल का इलेक्शन इसमें दिया गया है। और लास्ट डेट इसको अप्लाई करने की 10 फरवरी 2021 है। दोस्तों अप्लाई करने की फीस जनरल और अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़ है। बाकी पूरा मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में समझा देता हूँ कि कैसे कैसे इन्होंने जो अप्लाई करने की फ़ीस का दायरा रखा हुआ है। और इसकी सैलरी की बात करें तो 21,700 से लेकर 70,300 तक इन्होंने सैलरी इनके नोटिफिकेशन में शो की हुई है। दोस्तों यहाँ पर आप चेक कर सकते हो जनरल मेल और फीमेल नॉन रेसिडेंट्स ऑफ हरियाणा के लिए जो इन्होंने 100 रुपये की जो फीस वो अप्लाई करने की बताई गई है, और जो फीमेल ऑफ हरियाणा रेजिडेंट्स है ओनली उनकी 50 रुपये है, और जो SC BC EWS कैंडिडेट है हरियाणा स्टेट से हैं ओनली जो उनकी मेल की है जो 25 रुपये फीस रहेगी और फीमेल की है वो 13 रुपये फीस रहेगी। यहाँ पर टोटल पोस्ट कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड की हुई है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो जो सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है वो टोटल 5500 पोस्ट है मेल कैंडिडेट के लिए, जिसमें से जर्नल के लिए 1980 पोस्टें हैं और एससी के लिए 990 पोस्टें हैं और बीसीए के लिए 770 पोस्ट हैं और बीसीवी के लिए जो 840 पोस्ट हैं। तो ऐसे यहाँ पर चेक कर सकते हो। और फीमेल के लिए टोटल 1100 पोस्ट हैं प्लस 698 पोस्ट है जो फीमेल कॉन्स्टेबल जो दुर्गा यूनिट की होती हैं उस डिपार्टमेंट में हैं। और दोस्तों फिजिकल मेजरमेंट की बात करें तो जो जनरल मेल कैंडिडेट हैं उनकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो मेल SC ST कैंडिडेट है उनकी हाइट 168 सेंटीमीटर यहाँ पर इन्होंने मेंशन की गई है। और चेस्ट की बात करें जनरल कैंडिडेट के लिए जो 83 से 87 चेस्ट का साइज होना चाहिए एक्सपेंड करके, और जो SC ST कैंडिडेट है उनकी 81 to 85 तक की चेस्ट का जो साइज होना चाहिए एक्सपेंडेबल करके। और फीमेल की आप यहाँ पर चेक कर सकते हो दोस्तों, जनरल कैंडिडेट फीमेल है जो उनकी जो हाइट होनी चाहिए 158 सेंटीमीटर होनी चाहिए और SC ST कैंडिडेट फीमेल है जो 156 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें दोस्तों, इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर आएगा एक, और यहाँ पे इन्होंने सिलेबस की जानकारी यहाँ पे दी हुई है, जनरल स्टडीज, जनरल साइंस, करंट अफेयर, जनरल रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसके अलावा एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, अदर एनिमल फील्ड ट्रेड्स ETC रिलेटेड क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर 10 क्वेश्चन इन्होंने बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के भी यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। अगर दोस्तों आपको ये सिलेबस कवर करना है और क्या स्ट्रेटजी बनानी है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए और सबसे बेस्ट बुक कौन सी होगी रीड करने के लिए, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और बेस्ट बुक की बात करें उसका लिंक ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करके आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। और फिजिकल टेस्ट की बात करें रनिंग होगी दोस्तों, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि जो मेल के लिए है वो 2.5 किलोमीटर इन 12 मिनट में निकालनी होगी और जो फीमेल के लिए वो 1 किलोमीटर 6 मिनट में निकालनी होगी। एक्स सर्विस मैन है उनको 1 किलोमीटर 5 मिनट में निकालनी होगी। ओके दोस्तों, अगर कोई और जानकारी चाहिए तो वीडियो में कमेंट कर दीजिए, मैं आपका रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूँगा। और अगर वीडियो बेनिफिशियल लगती है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।